नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का लेक्चर है लॉजिकल रीजनिंग, युक्तिसंगत तर्क। ये UGC नेट के छठवें चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो लॉजिकल रीजनिंग का जो ये कॉन्सेप्ट रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है। जो उम्मीदवार भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप आगे चल करके एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आपके अंदर तार्किक अभिक्षमता कितनी है। आप विभिन्न पहलुओं को, कई सारे पक्ष होते हैं, उनकी जांच और समझने की आपके अंदर क्षमता कितनी है, ताकि आप अपने पूर्व और वर्तमान को अवधारणाओं को समझ करके अपने कार्य को बेहतर तरीके से संपादित कर सकें। यानी कि हर एक चीज़ को आप लॉजिकली देख करके, समझ करके किसी चीज़ को, तभी आप आगे बढ़ें। तो यही हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय क्या कहता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह निश्चित रूप से स्कोर एक से अधिक बार और पढ़े बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करे। ठीक है, तर्क वाक्यों की संरचना है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यायसंगतता का आधारित प्रश्नों में कम से कम दो वाक्य दिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष दिया जाता है। परीक्षार्थी से इस प्रश्नों कथनों की सत्यता या सत्यता पर विचार करने की आशा नहीं की जाती। कभी कभार यह वाक्य असंभव प्रतीत होते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हम बिना लॉजिकली के आराम से बता सकते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे सभी छात्र कुर्सी हैं। ठीक है, यदि हम अपने सामान्य विवेक का प्रयोग करें तो ऐसे कथनों को नकारा जा सकता है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। परंतु तर्क वाक्यों के तौर पर हमें इनको सही मानना होगा। जो लॉजिकली होता है उसके आधार पर हमको सही मानना होगा। कभी कभार तर्कों पर आधारित संरचना बल्कि व्यवहारिक आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा समाधान के दृष्टिकोण से तर्क दो मुख्य घटक हैं। तर्क के पहला है आधार कथन या तार्किक वाक्य, और सेकंड है आपका ये रहा आधार कथन यात्रा के आधार पर निष्कर्ष। ठीक है, तो पहला देखते हैं आधार कथन। यह तर्कों पर आधारित एक वाक्य है जो पदों के बीच संबंध स्थापित करता है। इसको आधार वाक्य या तार्किक कथन, तर्क वाक्य को प्रस्तावना भी कहा जाता है। पद ऐसे शब्द होते हैं पद जो किसी वाक्य में उद्देश्यों तथा विधि के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इसके दो हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। उद्देश्य पद और विधेय पद, तो उद्देश्य पद है ऐसा जिसके विषयों में कोई बात कही गई हो। जैसे राम के विषय में कहा गया हो कि वह बुद्धिमान है, राम एक बुद्धिमान है, तो राम उद्देश्य पद होगा। ठीक है, अब इसके बाद है आपका बी, विधेय पद क्या होता है। उद्देश्य पद के बारे में जो कहा गया है उसे विधेय पद कहते हैं। राम बुद्धिमान है, उपरोक्त वाक्य में बुद्धिमान पद द्वारा राम के बारे में कुछ कहा गया है। ठीक है, उद्देश्य पद का बुद्धिमान से रिलेटेड है, और बुद्धिमान से रिलेटेड ही विधेय पद, जो उद्देश्य पद के बारे में कहा गया है वही विधेय पद होगा। इसके बाद है आपका थर्ड, मध्य पद। उपरोक्त में के अलावा दो तार्किक वाक्य को न्यायसंगतता के प्रश्नों में संदर्भ में मध्य पद का होना अब अति आवश्यक है। मध्य पद होना ही चाहिए। क्वेश्चन वो है आपका, उदाहरण देखिए, सभी लड़के विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी भारतीय हैं। ठीक, दोनों कथनों में विद्यार्थी शब्द कॉमन है। ठीक है, दोनों कथनों में विद्यार्थी शब्द कॉमन है, अतः विद्यार्थियों के मध्य पद हुआ ऐसे वाक्य जो कि दिए गए हों या दो से अधिक कथनों के बीच संबंध हो तथा दोनों के बीच स्थापित करना हो, उनको मध्य पद कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को बीच में स्थापित करना हो, यानी कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी भारतीय हैं, तो उसमें विद्यार्थी दोनों साइड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये मध्य पद हो गया है, किसी चीज़ को दर्शाता है मध्य पद। मध्य पद के बिना कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, न्यायसंगतता के दृष्टिकोण से दो कथनों के बीच मध्य पद होना, अगर तीसरा कथन दो मध्य पद हो तो वह ध्यान रहे, अगर तीसरा कथन आपका मध्य पद का हो तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन पदों के अलावा तर्क वाक्य तथा निष्कर्ष के मुख्य घटक हैं। परिणाम है आपका, ये मात्रा को चिंतन करते हैं, सभी और कोई नहीं,
सर्वव्यापी परिणामक तथा कुछ असमव्यापी परिणामक हैं। संयोजक का तर्कवाक्य के भागों से जोड़ता है। संयोजक को सदैव होना क्रिया का कोई रूप होना चाहिए। उदाहरण है आपका नहीं है, हूँ, नहीं हूँ इत्यादि, ये संयोजक में आता है। नहीं हूँ, हूँ, नहीं हूँ इत्यादि, ये याद रखना है। तर्क वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार के हैं, सरल वाक और व्याकिक वाक। ठीक है, सरल वाक को देखते हैं सबसे पहले। इसमें केवल एक बात रहती है, जैसे राम बुद्धिमान है और श्याम सुंदर है। सरल वाक में एक ही चीज़ कॉमन रहती है, राम बुद्धिमान है और श्याम सुंदर है। ठीक है, और यौगिक वाक में इसमें एक से अधिक वाक होते हैं, जैसे राम और श्याम बुद्धिमान है। ठीक है, इसमें दोनों आ गए आपके, और राम बुद्धिमान है और सुंदर है, राम बुद्धिमान है और सुंदर है। प्रत्येक तार्किक वाक में एक गुण विद्यमान होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। राम बुद्धिमान है और श्याम सुंदर है। ठीक है, राम बुद्धिमान और श्याम आपका सुंदर है। इन बातों में राम में बुद्धिमत्ता का भाव है, ठीक है, और श्याम में सुंदरता का भाव है। राम में बुद्धिमान का भाव हो गया और आपका श्याम में आपका सुंदरता का भाव हो गया। अब नकारात्मक, कुछ व्यक्ति सुंदर नहीं हैं, इनमें उद्देश्य यानी व्यक्ति में सुंदरता का अभाव है। जो व्यक्ति हैं उनमें उसमें सुंदरता का अभाव है। इसका वर्गीकरण तो प्रत्येक प्रकार से होता है, सर्वव्यापी और असमव्यापी, दो प्रकार हैं इसके, सर्वव्यापी और असमव्यापी। सर्वव्यापी देखते हैं, ऐसी बात जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही गई हो उसे सर्वव्यापी बात कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य सभी या कोई से प्रारंभ होते हैं। सर्वव्यापी में वाक्य आपका ऐसे वाक्य सभी या कोई से प्रारंभ हो सकता है, ये ध्यान रखना है सर्वव्यापी में। और सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी सकारात्मक, ऐसे वाक्य से सकारात्मक अर्थों का निकाला जाता है। सर्वव्यापी सकारात्मक होते हैं, इसकी शुरुआत सभी सर प्रत्येक से होती है। ठीक है, सभी स्तर प्रत्येक से होती है, निरूपित किया जाता है, ये है आपका निरूपित किया जाता है। नकारात्मक, ऐसी बात जिसमें पहले कोई नहीं या भी नहीं, एक भी नहीं, यानी कि कोई नहीं और एक भी नहीं, ये नकारात्मक में आता है। से शुरू होते हैं नकारात्मक सर्वव्यापी वाक होते हैं। जो नकारात्मक सर्वव्यापी आपके वाक होते हैं वो तो या तो कोई नहीं से स्टार्ट होंगे या एक भी नहीं से आपका वाक स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है नकारात्मक में। और सकारात्मक क्या डिफरेंस है, इसी ई निरूपित किया जाता है, इसे ई से निरूपित किया जाता है, और सर्वव्यापी को आपका ए से निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका अनुमान के भेद। अनुमान या निष्कर्ष निकालने में दो मुख्य भेद होते हैं, फर्स्ट आपका निगमनात्मक और आगमनात्मक। आत्मा निगमनात्मक अनुमान दो प्रकार के होते हैं, अंतरानुमान और मध्याश्रम अनुमान। ठीक है, अब अंतरानुमान, अंतरानुमान नियम का रूप है। इसमें एक ही पद या एक ही वाक्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। अनुमानात्मक में आपका एक ही वाक्य पर किसी चीज़ का टॉपिक से रिलेटेड निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके परिणाम का अर्थ है कि उद्देश्य और विधेय का आपस में स्थापित करना परिवर्तन है, आपस में स्थान परिवर्तन हो जाता है इसमें, किसमें, अंतरानुमान में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तर्कवाक्य है, सभी विद्यार्थी मनुष्य हैं, सभी विद्यार्थी मनुष्य हैं। निष्कर्ष आपका कुछ मनुष्य विद्यार्थी हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी मनुष्य हैं और कुछ विद्यार्थी मनुष्य हैं। उदाहरण है आपका कोई व्यक्ति नहीं है, निष्कर्ष कोई भगवान व्यक्ति नहीं है। ठीक है, जिन दो पदों में संबंध स्थापित किया होता है या किया जाता है उनके बीच कोई मध्य भाग पद नहीं होता है। कुछ तर्कशास्त्री इन अनुमान को अनुमान का वास्तविक रूप नहीं मानते हैं, कुछ तर्कशास्त्री हैं ये इस अनुमान को अनुमान का वास्तविक रूप नहीं मानते हैं, नकारते हैं कि ये नहीं हो सकता। इसके अनुसार अनुमान अनुमान या निष्कर्ष है कि नहीं, यह शब्दों पर शब्दों का फेर है। ठीक है, निगमन अनुमान को होने के कारण जैसे वैध माना जाता है, जो निगमन अनुमान होता है आपका उसको अनुमोशंकन के कारण वैध माना जाता है। इसके बाद है मध्यश्रित अनुमान, मध्य आश्रित अनुमान को हम दूसरे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। ओके,
निगमनात्मक अनुमान पर पहुंचने के लिए तर्क वाक्यों के सत्य का मान लिया जाता है उसकी परीक्षा नहीं की जाती। उदाहरण के तौर पर सभी व्यक्ति मरणशील हैं, सभी व्यक्ति हैं मरणशील हैं, और कविता व्यक्ति है। एग्जाम्पल आपका सभी छात्र बुद्धिमान हैं, राम एक छात्र है, ठीक है। निष्कर्ष है वह भी बुद्धिमान है, यानी एक बुद्धिमान है, यानी कि राम भी एक बुद्धिमान है, क्योंकि सभी छात्रों की बात हो रही है। तो जबकि पहले उदाहरण में निष्कर्ष है कविता व्यक्ति है, यह सच है, सच भी हो सकता है और नहीं हो सकता, क्योंकि कविता या तो व्यक्ति हो सकता है और सही भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता। लेकिन राम के बारे में बात हो रही तो राम बुद्धिमान भी हो सकता है और एक अच्छा, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही तो बुद्धिमान भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कविता में आपका नहीं आया, कविता में सच भी है कविता कि नहीं है, कविता व्यक्ति भी हो सकता है और कविता भी होती है। इसके बाद है आपका निगमनात्मक निष्कर्ष की वैधता। निगमनात्मक में निष्कर्ष के केवल रूप की वैधता देखी जाती है, जो रूप होता है उसमें उसी की वैधता को देखा जाता है। एक निगमनात्मक ताकत वैध है अगर कोई इसके तर्क इसके निष्कर्ष के लिए निर्णायक परिणाम प्रदान करता है। जून 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था आपका, तार्किक युग की रचना का आधार है, ये आपका 2009 में पूछा गया था। ए आकरिक वैधता और बी तथ्यात्मक सत्यता, सी भाषाई अभिव्यक्ति और डी उपयुक्तता, ठीक है। आगमनात्मक अनुमान ऐसे अनुमान जिनमें निष्कर्ष सदैव आधार पर से अधिक वाक्य हो उसको आगमनात्मक अनुमान कहा जाता है, यानी कि तर्कवाक सदैव आधार पर अधिक हो व्यापक हो उनको आगमनात्मक कहा जाता है। अगर वाक्य में कुछ दिया है, अगर वाक्य में आपके में कुछ दिया है तो निष्कर्ष में सभी होने की ध्यान है। अगर आपका वाक्य में प्रश्न में आकर आपका आ गया कुछ, अगर निगमनात्मक का कोई क्वेश्चन आ गया है उसमें आ गया कुछ दिया है क्वेश्चन, तो आपका तो ध्यान रखना है आपका उत्तर आपका सभी होने की संभावना रहती है। उदाहरण है चीन में निर्मित कुछ वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, ठीक है, और निष्कर्ष है आपका चीन में निर्मित सभी वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, यानी कि कुछ वस्तुएं सस्ती मिलती हैं और आपकी सभी वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। तो निगमनात्मक निष्कर्ष प्राप्त करने की विधियाँ हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करने की एक मेथड है निगमनात्मक। जब हम किसी निष्कर्ष को दो प्रस्तावों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं तो इसको मध्य स्तर निष्कर्ष कहा जाता है। इसे इस प्रकार हल किया जाता है, ये है विश्लेषणात्मक विधि और बेन आरेख विधि। और विश्लेषणात्मक विधि है आपका, विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत दो सोपान हैं, आधार वाक्यों में शिखर और दूसरा है परिवर्तन सारणी की सहायता से निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तर्क वाक्यों की रूपरेखा संरेखना है, निरपेक्ष तर्क वाक्यों के आधार पर एक घटक है, हम लोगों से अपेक्षा की जाती है कि हम उनको न्याय संगत तथा समस्या के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों से संबंधित कुछ ज्ञान लेना चाहिए, जो व्यक्ति हैं उनसे हमें कुछ ज्ञान लेना चाहिए। बृहद कथन है, कथन आपका है बृहद कथन, जिस तर्क वाक्य में बृहद होता है उसको कहा जाता है। उदाहरण मरणशील, जो बृहद कथन होता है उसको एग्जाम्पल के तौर पर मरणशील कहा जाता है। लघु तर्क वाक्य, जिस तर्क वाक्य में लघु पद होता है उसे लघु तर्क वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल यूनानी, ये याद रखना है कि लघु में क्या आता है और बृहद में कौन सा एग्जाम्पल आता है आपका। और मध्य पद, जो दोनों तर्क वाक्यों में होता है उनको मध्य पद कहा जाता है, यानी कि तर्क में भी होता है और लघु में भी होगा आपका और बृहद में भी होगा, यह निष्कर्ष का घटक नहीं है। उदाहरण मनुष्य मध्य पद, जो माना होता है उसको हम दोनों चीज़ों में लगा सकते हैं, मनुष्य मध्य पद होता है, एक बीच का पद होता है, दोनों कई क्वेश्चन प्रश्नों में आ चुका है व्यक्ति के लिए। निष्कर्ष है आपका, इसमें कर्ता का यह पहला भाग पहली प्रस्तावना का उद्देश्य करना होता है, दूसरा पद उसकी प्रस्तावना का विधेय करना होता है, यानी कि पहला पद का उद्देश्य करना होता है और दूसरा पद में आपका विधेय करना होता है। आपका नेक्स्ट है तर्क वाक्य पूर्वग्रह, पूर्वाग्रह और आस्था। तर्क वाक्य होते हैं वह पूर्वाग्रह और आस्था होते हैं। तर्क तथ्य देखते हैं,
हम पत्थर शोध हम जो पत्थर पर शोध करते हैं जो हम शोध करने के तथ्यों का सत्यता स्थापित कर सकते हैं, ए निश्चित रूप से ज्ञान और बी निश्चित रूप से सत्य और सी निश्चित अनिश्चित अस्तित्व, सी आपका निश्चित अस्तित्व। उदाहरण है, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तथ्य विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण है, ये विचार के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी चीज़ पर किसी टॉपिक पर विचार करना है ये इसी के ऊपर दर्शाता है, किसी फैक्ट पर पूर्वाग्रह आस्था यानी कि किसी फैक्ट पर हमें विचार करना होता है, ऐसी यानी कि 15 अगस्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को तो उसको विचार विमर्श करके महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका विचार, यह वास्तविक साक्ष्य के अनुरूप उचित निष्कर्ष निकालने का प्रयास है, विचार किसी वास्तविक साक्ष्य के अनुसार ही हम उचित निष्कर्ष निकालें, ए ऐसा विश्वास कि कुछ घटित हुआ हो, ऐसा विश्वास हो कि हमें कुछ घट रहा हो या घटित हो चुका हो या घटित हुआ हो, और बी ऐसा विश्वास कि यह वास्तविक हो, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वह हमें वास्तविक रूप में दिखाई दे रही है, और सी ऐसा विश्वास कि कुछ ऐसा विश्वास कि किसी का कुछ स्थिर है, किसी का कुछ स्थिर है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण, हम जानते हैं कि भारत में लाखों लोग बिना उचित चिकित्सा के जीवन यापन कर रहे हैं, कई सारे लोग हैं सोसाइटी में जो बिना चिकित्सा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कई सारी बीमारियां हैं लेकिन दिखाने नहीं जाते तो जीवन यापन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, तो इसके लिए ये विचार ही तो कई सोसाइटी में आप जब देखते हैं कि लोग इतने बीमार हैं इतने गरीब फैमिली से हैं कि वो अपना इलाज नहीं करवा सकते अच्छे अस्पताल में, तो आपके लिए एक विचार बन जाएगा कि हमारे हिसाब से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा संस्थान की स्थापना होनी चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहिए, बीमारी के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए कि अपना जाएं इलाज कराएं और सस्ता इलाज हो, इस पर हमें विचार करते हैं जब देखते हैं सोसाइटी में, आप देखते होंगे जाते होंगे रिसर्च करते हैं तब आप जाते हैं तब देखते हैं कि लोग कितने बीमार हैं इलाज नहीं करवा सकते सही तरीके से, तो ये विचार ही हो जाएगा आपका। और थर्ड में आ गया आपका पूर्वाग्रह, व्यक्ति के प्रति उसकी किसी समूह के साथ उसकी संबंधित आधार पर उत्पन्न हुई भावना है, पूर्वाग्रह मतलब किसी व्यक्ति के प्रति आपके समूह है सोसाइटी है उसके प्रति संबंधित आधार पर उत्पन्न हुई भावना है आपकी। एग्जांपल है, हम सोचते हैं कि मांसाहारी व्यक्तियों के मन में पर्यावरण के प्रति कोई लगाव नहीं है, ठीक है। आप भी सोचते होंगे जो लोग मांसाहारी होते हैं जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रति पर्यावरण के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, कई लोग सोचते हैं ऐसा और कई लोग मानते भी हैं कई लोग नहीं मानते हैं, यदि हमारे सामने आता है कि मांसाहारी उसके आधार पर हुआ है तो हमें पसंद नहीं करता तो उसके मन में हमारे प्रति घृणा का भाव जो कि एक नकारात्मक हो जाता है या हो सकता है, यह एक पूर्वाग्रह यानी अनुमान लगाना है, ठीक है। यदि हमारे सामने आता है कोई मांसाहारी उसके आधार पर हुआ हो तो यह हमारे सामने एक नेगेटिविटी भी पैदा हो सकती है, हमें घृणा भी हो सकती है, यानी एक अनुमान लगाना है। परिभाषा और इसके प्रकार देखते हैं लॉजिकली के कौन कौन से परिभाषा प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका, किसी अमूर्त प्रयत्न को मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है, किसी संप्रदाय को दूसरी संप्रदायों से अलग करने का प्रयास, जो एक संप्रदाय होती है उसको दूसरे से अलग करने का प्रयास। और तीसरा, दो या दो से अधिक लोगों के मध्य संबंध स्थापित करना। और चौथा, किसी संप्रदाय के मानदंड संबंधी उद्देश्य जैसे किसी सीमांकन करने के लिए नेट की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसको आप नोट कर लीजिए, परिभाषा और इसके प्रकार चार प्रकार हैं। अनिवार्य परिभाषा, किसी पद का अर्थ बनाना बनता उदाहरण, ठीक है, किसी परिभाषा का अर्थ क्या उदाहरण बनता है। रासायनिक शास्त्र में जल की परिभाषा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण, और भौतिक में ऐसे सरल पदार्थ जिनका हिमांगी बिंदु 0°C है एवं क्वथनांक 100°C है। सौरमंडल का जो परिवार के ग्रह की परिभाषा में बुध बृहस्पति मंगल शुक्र शनि आएंगे, कोष विषयक या शाब्दिक परिभाषा है, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब आ गया आपका
कोष विधेयक या शाब्दिक परिभाषा। स्वनिर्मित परिभाषा, किसी वस्तु को नए ढंग से परिभाषित करना है। सटीक परिभाषा, शब्दों के अर्थों को सटीक करने का उदाहरण विधि, चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा इत्यादि। प्रेरक भाषा, प्रेषक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चर्चा के दौरान हुआ होता है कि भ्रूण हत्या, जो भ्रूण हत्या होती है उसको मायूसी व्यक्ति की हत्या बना देता है, जो मायूस व्यक्ति होता है उसकी हत्या बना देता है। क्रियाशील परिभाषा, किसी चर आदि के मापन से संबंधित, जैसे कि दरिद्रता को कैसे परिभाषित किया जाए ताकि उसे किसी शोध में उसको कैसे मापा जाए। सार्थक दो प्रकार के होते हैं, पहला मुख्यार्थक और दूसरा लक्ष्यार्थक। मुख्यार्थक देखते हैं, पहला क्या कहता है। मुख्यार्थक किसी वस्तु या पद का शब्दकोश अर्थ या शाब्दिक अर्थ को परिभाषित करना होता है। जैसे यदि हम शब्दकोश में सब जो सांप होता है उसका अर्थ खोजें तो इसका अर्थ निकलेगा विषैला, लंबा, बेलना शरीर और जंगलों में पाए जाने वाला। जो सर्प की अगर हम परिभाषा को शब्दकोश में देखेंगे या किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका ये निकलेगा अर्थ कि विषैला हो सकता है, लंबा है, बेलनाकार है और जंगलों में पाया जाता है। अब लक्ष्य अर्थ देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। कभी कभी किसी शब्दों के शब्दकोश अर्थ का उसके साथ लक्ष्यार्थ भी दिया जाता है, जैसे कि उसका भाव अर्थ क्या हो सकता है। जैसे कि जिस सर्प शब्द का अर्थ पूरा खतरा भी हो सकता है, जो सांप होता है उसका खतरा हमें पूरा कभी कभी बना रहता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज जो चीज़ें बताई गई हों लॉजिकल रीजनिंग में, जो फैक्ट दिए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट उसका दिया रहता है, तो आपको आसानी समझ में आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।